हरियाणा दर्शन के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए गोंडवाना दर्शन की संचालिका आदरणीय उषा किरण जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही इस गोंडवाना दर्शन के जिन्होंने 32 साल तक गोंडवाना दर्शन की हिंदी पुस्तिका जाहिर की, उनको जिन्हें गोंडवाना रत्न सुनहेर सीताराम जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनके विचारों की गूंज आज भी समग्र देश में गूंज रही है। मैं मेरे गुजरात के मेरे फेसबुक दोस्तों को ये बात बताना चाहूँगा, जिन्हें मालूम नहीं होगा शायद गोंडवाना रत्न सुरेंद्र सिंह ताराम जी के बारे में। सुरेंद्र सिंह ताराम जी गोंडी भाषा और साहित्य का दीपक जलाने वाले कर्मनिष्ठ समाज सेवक थे। बीते 2 साल पहले 7 सितंबर सन 2018 को उनका निधन हो गया था, लेकिन उनके पहले सन 1985 से 2017 तक उन्होंने गोंडवाना दर्शन की हिंदी पुस्तिकाएं बाहर अपने आदिवासी समाज में उनके विचारों को रखा। उनके जरिए हम जैसे लाखों नवयुवानों आदिवासी अधिकारों के बारे में जागरूक हुए और आज इस मंच पर पहुंच चुके हैं कि आपके सामने हमारा और उनका विचार रख सके। तो मैं पहले नतमस्तक करता हूँ आदरणीय गोंडवाना रत्न श्री सुनहेर सीताराम जी को, उन्हें मेरा सेवा जोहार, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गोंडवाना दर्शन के सभी युवा साथी जो फेसबुक लाइव कार्यक्रम और उसकी पत्रिका से जुड़े हुए हैं। पूरे गोंडवाना दर्शन परिवार को भी मैं सादर नमन करना चाहूँगा। दोस्तों, भारत के विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए मेरे फेसबुक लाइव पे दर्शकों को भी मैं जोहार नमन करना चाहूँगा। आज मैं आपके सामने मुख्यतः 3 बातें रखने वाला हूँ। राजनीति में युवाओं को आना पड़ेगा, किस लिए? अपने हक और अधिकार के लिए। बाद में दूसरा विषय पे मैं जाऊंगा। मेरा दूसरा विषय है आदिवासी संस्कृति बचाने के लिए युवाओं को करनी होगी पहल। बेशक उन्हें पहल करनी होगी। मेरा नाम नरेंद्र कांतिलाल चौधरी है। मैं गुजरात के सूरत जिले से महुआ ब्लॉक के काछल गांव से हूँ और मैं मेरे गांव का सरपंच भी हूँ। चौधरी जनजाति समुदाय से मैं आता हूँ और हमारे यहाँ महुआ में जो आदिवासी विचारधारा के साथ जो हमारी टीम काम कर रही है, इस टीम का मैं हिस्सा भी हूँ और समाज में आदिवासी चेतना को हम जगा रहे हैं, समाज को अपने मूलभूत अधिकारों के बारे में बता रहे हैं और उन्हें हासिल करने के लिए एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अपने विषय पे आगे बढ़ना चाहूँगा। राजनीति में आदिवासी युवाओं की अपने हक अधिकारों के लिए सक्रिय भागीदारी। तो जी हाँ दोस्तों, आज ये समय की मांग है और ये बहुत ज़रूरी है कि क्यों युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। उसका कारण बताने से पहले मैं 2 बात आपसे साझा करना चाहूँगा। भारत देश चलता है संविधान से और आदिवासी चलते हैं प्रकृतिवाद से। संविधान में जो आदिवासियों को अपने हक और अधिकार दिए गए हैं, उनसे हम
परिचित नहीं है और अपने व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। इसलिए आज भी हम गुलाम की तरह अपने ही देश में जी रहे हैं। उससे पहले मैं दो चार बातें करना चाहूँगा। संविधान में जो हम आदिवासियों को अपने हक अधिकार दिए गए हैं, तो संविधान में स्पष्ट, जब संविधान की रचना हुई तो संविधान के निर्माण समय हमें तीन बातें स्पष्ट बताई गई, समझाई गई और दी गई, सुरक्षा, संरक्षण और विकास। लेकिन आज ये तीनों बातों से हम वंचित हैं। सुरक्षा, संरक्षण और विकास, आज हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं। आदिवासियों को विकास के नाम पर अपने ही जमीन से खदेड़ा जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, जबरन उनकी जमीन हड़प ली जा रही है। तो संविधान में जो हमें सुरक्षा दी गई थी तो वो तो हमें मिल ही नहीं रही। दूसरा था संरक्षण। संरक्षण हमें मिल रहा है आज भी, किस बात का संरक्षण हमें दिया जा रहा है? हमारी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है, हमें हमारा हक अधिकार दिया नहीं जा रहा है। और तीसरी बात जो हमें संविधान में बताई गई थी, विकास, हमारे समाज के लिए विकास होगा, हमारे समुदाय के लिए विकास होगा। लेकिन बड़े शर्म के साथ मैं कह रहा हूँ, विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हमें विस्थापित ही किया गया है आज तक, और आगे भी करते रहेंगे अगर हम युवा जागे नहीं तो। हमें हमारी ढाल खुद बनना होगा, हमें हमारा सहारा खुद बनना होगा, हमें हमारी मदद खुद करनी होगी। हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला, और ये जिम्मेदारी बनती है हम सब युवाओं की। अगर आज हम युवा अपने हक अधिकार छोड़कर अपने घर पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो नहीं बचा पाएंगे हम हमारे समुदाय को, नहीं बचा पाएंगे हम हमारी संस्कृति को। क्या जवाब देंगे हम आने वाली पीढ़ी को? हम युवाओं को है आगे आना पड़ेगा। हमें जो हमारे हक अधिकार मिले हैं उन्हें हमें छीनना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। उनके लिए हम युवाओं को एकजुट रहना पड़ेगा। भारत देश के विभिन्न राज्यों में हर समुदाय के अपनी विभिन्न परिस्थिति है, लेकिन उनके बावजूद भी हमें मुख्यतः जो संविधान में हमारे विशेषाधिकार दिए गए हैं उनको हासिल करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया, संविधान में 5वीं अनुसूची के तहत हमें बहुत सारा प्रावधान मिला है, लेकिन वो सिर्फ किताबों में दब गया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हमारा समुदाय की आवाज़ बननी पड़ेगी। और वो आवाज़ कौन बनेगा? आज के युवा, हमारे आदिवासी समुदाय के युवाओं को आगे आना पड़ेगा। अगर हम आगे नहीं आए तो हमारी संस्कृति आज भी पीछे है और कल भी पीछे ही रहेंगी। लेकिन वर्तमान समय की यही मांग है कि युवाओं को आगे आना पड़ेगा, लेकिन कहाँ आगे आना पड़ेगा? उसका एक ही जवाब है, हमें शासन प्रशासन में घुसना पड़ेगा। उसके लिए हमें राजनीति में आना पड़ेगा। आज जो नेता हम लोग चुनकर भेजते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के गुलाम बनते हैं। पार्टी उन्हें कहती है बेटा उठ जा तो वो उठ जाते हैं, बेटा बैठ जा तो बैठ जाता है। हमें आदिवासी सरकार खड़ी करनी पड़ेगी, पार्टी सिस्टम करनी पड़ेगी। हमें हमारा राज, हमारा साम्राज्य तैयार करना पड़ेगा। और उनकी नींव कौन रख सकता है? कौन रख सकता है उनकी नींव? तो वो सिर्फ और सिर्फ युवा। युवाओं को मैं आह्वान करता हूँ, उठो मेरे दोस्तों, आज हमारे समुदाय को आपकी जरूरत है। बहुत सारा हमने लूटा लिया, बहुत सारा खो दिया, अब
हमें हमारा अस्तित्व को बचाना है, हमें हमारा अस्तित्व बचाने की लड़त लड़नी होगी, और इसलिए हमें सिस्टम में घुसना होगा, हमें हमारा साम्राज्य खड़ा करना होगा। जब तक हम सिस्टम में घुसेंगे नहीं, तब तक हमारे हक और अधिकार हमें हासिल नहीं होंगे, क्योंकि समय की यही मांग है। और वो जैसे एक बात बताई जाती है ना, परिवर्तन ही समय की मांग है, तो हमें भी इस देश में परिवर्तन लाना होगा। और परिवर्तन लाने के लिए युवा सबसे पहला आगे आना चाहिए, यही मेरा मानना है। दोस्तों, आज़ादी के बाद से हम आज तक अभी तक विकास के नाम पर विस्थापित, सुरक्षा के नाम पर हमें कुछ नहीं दिया जाता, संरक्षण के नाम पर भी कुछ नहीं दिया जाता। हमें जो संविधान में 5वीं अनुसूची के तहत रूढ़िगत ग्राम सभा और जो विशेषाधिकार हमें दिए गए हैं, उन्हें हासिल करने के लिए हमें एकजुट रहना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा दो चार बातें मैं 5वीं अनुसूची की करना चाहूँगा। संविधान में हम आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची बनाई गई है। आदिवासी इलाके आज़ादी के पहले भी स्वतंत्र थे और आज भी स्वतंत्र है। जैसे मैं हमारे गुजरात की डांग जिले की बात करता हूँ, तो अंग्रेजों ने डांग जिला गुलाम बना ही नहीं सका था। आज पूरी तरह हमारा डांग जिला आदिवासियों से भरा हुआ है। आज़ादी से पहले डांग अकेला ऐसा जिला था गुजरात में जिन्हें अंग्रेज गुलाम नहीं बना पाए थे, इसलिए आज भी डांग को द डांग कहा जाता है। उनका एक पूरा इतिहास है, वो किसी और दिन हम शेयर करेंगे। बात में अभी 5वीं अनुसूची की कर रहा था। 5वीं अनुसूची में जैसे मैंने पहले बताया कि उस समय जब संविधान बन रहा था, तो 3 बातें स्पष्ट हमें दिखाई गई थी, बताई गई थी और कही गई थी कि 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी समुदाय को सुरक्षा, संरक्षण और विकास दिया जाएगा। अभी हमें यह सोचने की बात है, ये 3 मुद्दे, इसमें से हमें क्या मिला? सुरक्षा मिली हमें? नहीं मिली। संरक्षण मिल रहा है हमें? नहीं मिल रहा। और विकास के नाम पर तो हमें सिर्फ लूटा ही जा रहा है। मेरे आदिवासी युवाओं को मैं आह्वान करना चाहूंगा, आज की लड़ाई ऐसी मोड़ पर पहुंच चुकी है कि हम हमारे अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं, हम हमारा अस्तित्व बचाने की कगार पर आकर खड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, शासन प्रशासन में हमें घुसना चाहिए, पार्टी व्यवस्था को हमें बदलनी चाहिए। हर स्तर पर, सरपंच से लेकर MP तक हमारी जो बात कह सके, हमारी जो मांगे प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, इस तरह के युवाओं को आज राजनीति में आने की बहुत ज़रूरत है। शासन और प्रशासन में व्यवस्था परिवर्तन आज के युवा ही ला सकते हैं, कोई और नहीं ला सकता। क्योंकि जब तक हम पार्टी सिस्टम, धर्म, राजनीति में बांटे रहेंगे, तब तक हम अपने हक अधिकार के बारे में कभी भी एक नहीं होंगे और कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकेंगे। मैं उन युवा दोस्तों को भी जानता हूँ जो आज भी लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और शासन किसी न किसी तरह से
उन्हें अपनी आवाज से वंचित किए करने की साजिश रच रहा है। लेकिन इन सब साजिशों के बावजूद भी हमें एक होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा और शासन और प्रशासन में घुसना पड़ेगा। आज मैं मेरे गुजरात की बात करूं। मेरे गुजरात में पिछले 2 सालों से RBC का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है, यानी कि झूठे सर्टिफिकेट के तहत हमारे गुजरात में RBC यानी कि रबारी भरवाड़ और जाति समुदाय जो OBC में आते हैं वो आदिवासी बनने की कगार पर है और वो आदिवासी बने रहे हैं। करीबन 1.5 लाख लोग फर्जी डॉक्यूमेंट के तहत वो आदिवासी बन चुके हैं और विविध जगहों पर सरकारी नौकरियों में, मेडिकल सीटों पर और दूसरी जगह पर रिजर्वेशन का लाभ लेकर वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन को लागू करने के लिए ही आदिवासी है, उन्हें अपनी संस्कृति से कोई लगाव नहीं है। तो पिछले 2 सालों से गुजरात में बड़े तौर पर यह आंदोलन चल रहा है और तकरीबन पिछले 6 महीनों में गुजरात सरकार ने हमारी ये बात मानी है और वह झूठे सर्टिफिकेट को रद्द करने की उन्होंने बात मानी है। तो उसमें जो आंदोलन करता थे वो पूर्ण तरह से युवा लोग ही थे। तो युवा लोग अगर इस सिस्टम में आ गए तो हम क्या नहीं कर सकते, ये सोचने की बात मैं आप पर छोड़ता हूँ। दोस्तों, एक बार शासन और प्रशासन के खिलाफ अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना सीखो। जिस दिन तुम आवाज़ उठाना सीख गए उस दिन उस शासन और प्रशासन की नीचे गिरने की शुरुआत हो जाएगी। अपनी आवाज को बुलंद करिए दोस्तों। मैंने पहले ही बोला है, कोई हमें कुछ देने वाला नहीं है, हमें ही हमारा सहारा बनना पड़ेगा, हमारी आवाज बननी पड़ेगी, हमें ही हमारी सरकार बनानी पड़ेगी। पूरे भारत के आदिवासी युवा दोस्तों को मैं आह्वान करना चाहूंगा, आइए मिलते हैं एक प्लेटफॉर्म पर, एक आदिवासी भारत बनाते हैं। स्वायत्त राज, स्वायत्त संस्था, संविधान ने जो हमें यह दिया है उसे लागू करने के लिए एकजुट होंगे। दोस्तों, युवा धन ये देश का बहुत ही गुणी धुन है, उसे हमें विफल नहीं करना है। हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो ताकत है, हमारी जो शक्ति है, उस शक्ति को हमें किसी अन्य जगह पर न व्यर्थ करते हुए अपने समाज के लिए उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आज भी हम अपनी विचारधारा छोड़कर किसी अन्य संस्कृति तरफ बह गए तो आने वाली पीढ़ी आदिवासी को सिर्फ और सिर्फ किताबों में ही ढूंढती रह जाएंगी। विश्व की महानतम संस्कृति हमारी आदिवासी संस्कृति है और उसे आज खत्म करने की ओर आगे की तरफ धकेला जा रहा है। तो मेरा पहला विषय मैं यही खत्म करना चाहूंगा। राजनीति में आदिवासी युवाओं की अपने हक अधिकारों के बारे में सक्रिय भागीदारी, तो दोस्तों जी हाँ, सक्रिय भागीदारी रखनी ही चाहिए। हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज हम पीछे हट गए तो कल हमें इस आदिवासी कहने के लिए कोई लायक नहीं छोड़ेगा। हमारा भारत देश का संविधान चलता है, इसमें आदिवासी समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जबकि हम आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और उसके साथ हमारे आदिवासी समुदाय से डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा साहब उनके साथ रहे थे, उनकी वजह से ही आज हम
इस आपके सामने बोल पा रहे हैं, हमें आज़ादी मिली है बोलने की। युवाओं को मैं आज एक आह्वान करना चाहूँगा कि दोस्तों, पहले संविधान का हमें अभ्यास करना पड़ेगा। अगर हम संविधान का अभ्यास करने लगेंगे तो हम अपने हक अधिकार के बारे में जानना शुरू कर देंगे, और एक दिन जब हम अपने हक और अधिकार जानने लगेंगे तब हमें पूर्ण तरह से आज़ादी मिल जाएगी। हमारी 5वीं और 6वीं अनुसूची के जो हमें प्रावधान है वो हमें मिल जाएंगे। दोस्तों, संविधान में जो हमें हक अधिकार दिए गए हैं पूर्ण तरह से उन्हें हमें हमारे व्यवहार में उतारना होगा। कि मैं मेरी खुद की बात करूं तो पिछले 4 साल से पहले मुझे खुद को नहीं पता था कि आदिवासी क्या है। सन 2016 से हम आदिवासी जनजागृति के एक्टिविस्ट रहे हैं और उसे लाइफ टाइम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे 4 साल पहले हमें कुछ नहीं पता था। हमें जय आदिवासी बोलने में शर्म आती थी, हमें आदिवासी कहलाने में शर्म आती थी। ये सभी युवाओं के साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा। हम अपनी जात को छिपाते थे, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम विश्व की महान संस्कृति के सैनिक हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। आज हम गर्व से बोलते हैं कि हाँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। तो मैं किस ताकत से बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने संविधान पढ़ा, मैंने संविधान को जाना, अपने हक अधिकार को जाने, तब ये जाकर मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन पिछले 4 साल से पहले मैं भी अपनी जात को छिपा रहा था, मुझे शर्म आती थी। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूँ, हाँ, मैं आदिवासी हूँ और इस देश का मूल निवासी हूँ। लेकिन ये ताकत मुझ में कहाँ से आई? तो मैंने संविधान को पढ़ा, संविधान को जाना, अपने हक अधिकार को जाना। तो मैं दोस्तों आपसे आग्रह करता हूँ, आप भी संविधान को पढ़िए, अपने हक अधिकार को जाने। जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप में वो ऊर्जा नहीं पैदा होगी, आप में वो आप में वो जुनून नहीं पैदा होगा अपने अपने हक अधिकार को लेने के लिए। हमारे समुदाय पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको जानिए, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम चुप है, हम घर में बैठे हुए हैं, हमें बाहर आना पड़ेगा। हमें जो हमें हमारे संविधान में हमें ताकतें दी गई है, अपने व्यवहार में उसे लाना होगा, सिस्टम में घुसना पड़ेगा। और ये कौन करता है, कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ युवा। दोस्तों, बहुत बात कहनी है, अंदर बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए, उसे रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप जैसे युवा दोस्तों की मुझे संगत चाहिए। हम विकास के नाम पर विस्थापित हो रहे हैं। कल ही मैंने फेसबुक पर पोस्ट देखी, हमारे गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, आपने सब ने नाम सुना होगा, 3,000 करोड़ की लागत से बना हुआ है, जिससे पूरे दुनिया के लोग देखने आ रहे हैं। लेकिन उसके पीछे ही एक गांव है नर्मदा जिले का, तो वहां एक प्रेग्नेंट वुमन को एक लकड़ी से बांध कर पुल पर क्रॉस किया जा रहा था। 3,000 करोड़ से लागत के हुए बना हुआ पुतले के पीछे के गांव का यह हाल है। दोस्तों, जब भी हम ऐसी वारदात देखते हैं तो हमारा खून खोल उठता है। अरे यार, हम चुप क्यों हैं? हमें उन सब चीजों के लिए बोलना पड़ेगा, बोलेंगे, लेकिन उसके लिए आप सभी का साथ चाहिए। ऐसी आग सभी के दिल में लगनी चाहिए, और आग कौन लगा सकता है? तो आप जैसे युवा लोग ही लगा सकते हैं। दोस्तों, हमें संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके अधिकार के बारे में जानना चाहिए, और उन्हें हासिल करने के लिए एक दूसरे की ताकत बनना होगा,
आवाज उठानी पड़ेगी। जहां पर भी अन्याय होता है हमारे समाज और समुदाय पर, वहां आवाज उठानी पड़ेगी, अन्याय के खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल हम नहीं रहेंगे। अभी मैं मेरा दूसरा विषय पे जा रहा हूं। मेरा दूसरा विषय है आज का आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए युवाओं को करनी होगी पहल। जी हाँ दोस्तों, हम हमारी संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो हम आदिवासी नहीं रहेंगे, मिट जाएंगे पूरी तरह से। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व से कहा है कि विश्व की महानतम संस्कृति है आदिवासी संस्कृति। हम उस संस्कृति के बंदे हैं, लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं? खुद ही की संस्कृति हम नष्ट कर रहे हैं, उनसे दूर भागते हैं। मैं भी मेरी बात करूं तो मैं भी चार साल पहले यही करता था, अपने रीति रिवाजों से दूर भागता था, अपनी रूढ़ी परंपराओं से दूर भागता था, अपनी शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, हमारे जीवन व्यवस्था, उनमें जो आदिवासी रीति रिवाज है उनसे दूर भागता था। लेकिन ये सब जाना, अरे ये तो हम आदिवासियों की विशिष्ट पहचान है, इस संस्कृति की वजह से ही तो हम आज हम आदिवासी हैं। तो उसमें युवा कैसे पहल कर सकते हैं? दोस्तों, आप ही लोग हो जो दुनिया बदल सकते हैं, आप ही लोग हो जो परिवर्तन ला सकते हो। हमारे रोजिंदे जीवन में हमें आदिवासी संस्कृति को लाना होगा। जैसे हम विवाह करते हैं तो विवाह में जो हम हमारी संस्कृति के, हमारे पुरखों लोग जिस संस्कृति से विवाह करते थे, उस संस्कृति को हमें पुनः जीवित करने के लिए हम युवा ही आगे आ सकती है, और उसी परंपरा से हम विवाह करेंगे तो हमारी संस्कृति बची रहेंगी, आने वाली पीढ़ी देखती रहेंगी और हमारी संस्कृति बचती जाएंगी और हम आदिवासी के तौर पर बचते जाएंगे। जैसे हमारी जन्म विधि है, लग्न विधि है, मरण विधि है, इन सभी परंपराओं में जो सदियों से चली आ रही हमारी संस्कृति को हमें पुनः जीवित करना पड़ेगा, जो मृतप्राय हो चुकी है। आज मैं देखता हूं तो किसी किसी गांव में तो आदिवासी लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट पे रहते हैं, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र पर। वो आदिवासी सिर्फ डॉक्यूमेंट पर रहते हैं और उन्हें अपने हक अधिकार संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों माफ करना, लेकिन एक बात मैं पूरे जोर से कहना चाहूँगा, जो पढ़ा लिखा है ना, जो गांव छोड़कर शहर में बस गया, पढ़ा लिखा बन गया, जो सरकारी नौकरी करने लगा, अच्छे पैसे कमाने लगा, उन्होंने ही हमारी संस्कृति की घोर खोदी है। उन्होंने ही हमारी संस्कृति को नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यह कड़वा है लेकिन सच है। अब आज भी अपने गांव में जाकर देखिए, वो गांव का बूढ़ा गरीब किसान आज भी अपनी रोजिंदा जिंदगी आदिवासी संस्कृति की हिसाब से जीता होगा, और जो पैसे कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर में गया, सरकारी नौकरी करने लगा या किसी फील्ड में गया, वो जब गांव में आता है किसी भी त्योहार के लिए या कोई भी कारण के लिए, वो अपने घर में कोई भी प्रसंग लेकर आता है तो वो उसमें चेंज कर देता है। जैसे शादी हो गई तो शादी में नया नया
वर्जन जो शहर से देखकर आता है वो लाता है और गांव के लोगों को के सामने अपनी बड़ी दिखाने के लिए वो रीति रिवाज लागू करता है और फिर गांव का छोटा आदमी भी अपने घर पर कोई भी प्रसंग करता है तो सामाजिक डर से भी देखा देखी के लिए भी उन्हें ये करना पड़ता है। इसलिए मैं उनको कोसता हूँ कि समाज की संस्कृति को नष्ट करने की पहल की हो तो हमारे ही लोगों ने, पढ़े लिखे वर्ग के जो नौकरियत वर्ग है या पैसा वाले लोग हैं उन्होंने भी ही की है। लेकिन आज बदलाव लाना जरूरी है दोस्तों। आप सभी ने एफिनिटी टेस्ट के बारे में सुना होगा। हमारे गुजरात में हमने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था और अभी भी चल रहा है फर्जी जाति के डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने जाति विधेयक विधानसभा में पारित किया। उसके तहत आज कोई भी सरकारी नौकरी लेने जाता है, सरकारी नौकरी में भर्ती होता है, उन्हें पहले प्रूव करना होता है विश्लेषण कमेटी के पास, उनका वो आदिवासी है उन्हें प्रूव करना होता है। उनके लिए उन्हें 15 डॉक्यूमेंट लाने होते हैं, 15 में से 12 कंपलसरी है। और पिछले साल एक लोक रक्षक यानी कि पुलिस की भर्ती में छोटा उदयपुर का एक किस्सा था, तो वहाँ पर विश्लेषण समिति से उनके पास लेटर आया था कि आप आदिवासी हो साबित करने के लिए आप किस देव की पूजा करते हो, आप किस संस्कृति से शादी विवाह करते हो, ये उनके पास प्रमाण मांगा था। तो दोस्तों ये वक्त भी आज दूर नहीं है। कल उनके साथ हुआ, आज हमारे साथ, कल हमारे साथ होगा। तो हम हमारी संस्कृति को बचाएंगे तो हम आदिवासी के तौर पर बचे रहेंगे। हमारी शादी, हमारी विवाह की परंपरा है, हमारी मृत्यु की जो परंपरा है, हमारी जन्म लग्न और मरण की जो विशिष्ट विधियां है, हमारी जो देवी देवताएं है, हमारे जो त्योहार है, हमारी जो विशिष्ट संस्कृति है, उन्हें हमें बचाना पड़ेगा। दोस्तों मैं इस विधेयक की बात करता हूं और जो एफिनिटी टेस्ट की, सबसे पहले उसमें एक बात मुझे गर्व से कहनी है और मैं भी उसका पालन कर रहा हूं। जैसे कि मैं चौधरी समुदाय से हूं, तो सबसे पहले तो मुझे उस समुदाय की बोली आनी चाहिए। अगर मैं पहले ही मापदंड में मैं फेल हो जाऊंगा, अगर मुझे हमारी बोली नहीं आती, तो पहले तो हमें हमारी समुदाय की हमें बोली को हमें जीवंत रखना होगा, हमें व्यवहार में उसे लाना होगा। मैं जब भी मेरे गांव में बड़े बुजुर्गों से बात करता हूँ तो हमारे समाज की बोली में ही बात करता हूँ। गांव के सरपंच के तौर पर इस बात को लागू करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी संस्कृति की बचानी मेरा कार्य है, मेरी फर्ज है। मैं जिस समुदाय से हूँ उस समुदाय की रूढ़ी परंपरा, उसकी संस्कृति, उसकी बोली, उसकी सामाजिक व्यवस्था, ये उसको बचाना मेरा कर्तव्य है। उसके तहत आज भी मेरे गांव में मैं हर जहां जहां जाता हूं, जिस प्लेटफॉर्म पर जाता हूं, मैं उस बात को बताता हूं। सरपंच के तौर पर मैंने हमारे गांव के बस स्टेशन, जैसे बस स्टेशन तो हर गांव में होता है, लेकिन उस बस स्टेशन को पूरा वारली से सजा दिया, पूरा वारली पेंट से उसको सजा दिया और वारली चित्रों में गांव की जो पुराने सदियों से चली आ रही संस्कृति को दिखाया। उस चित्रों में हमने लग्न विधि, जन्म विधि, मरण विधि, हमारी खेतों में काम करती बहन, रोजिंदा घरों में काम करती बहन, हल लेकर जाता हमारा किसान भाई, इस तरह की सभी बातें हमने उस बस स्टेशन के वारली चित्रों में सजा दी ताकि वो आजीवन बनी रहे, बची रहे, लोगों को उसको देखकर महसूस हो, अरे यार ये तो हमारी महान संस्कृति है,
उसे हम पीछे छोड़कर आए हैं। चलो पहले जैसे जिंदगी हम फिर से जीने लगते हैं, हमारे संस्कृति की ओर हम फिर से वापस चलते हैं। तो दोस्तों, मैं बोली की बात कर रहा था, तो मेरे गांव में जब से मैं बूढ़े बुजुर्ग से बात करता हूँ तो मेरी चौधरी बोली में ही बात करता हूँ। मेरा लड़का 3 साल का है, उसे भी मैं चौधरी बोलने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ और उसे भी सिखाता हूँ और वो भी सीख रहा है। और दिन में 2-3 बार तो हम चौधरी में ही बात करते हैं। तो ऐसी सब व्यवस्था हमें हमारे व्यवहार में लानी पड़ेगी। युवाओं से मैं आग्रह करता हूँ, आज हम हमारे गांव में पहल करेंगे तो लोग हमें ताना मारेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन कान बंद कर देना। जो सही है उसे आगे लेकर जाना है हमें, क्योंकि आज एफिनिटी टेस्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उसमें हमें आने वाला समय यही आने वाला है, हमें भी हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए एफिनिटी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो उस टेस्ट में हमें हमारी बोली बोलकर दिखानी होगी उनके सामने, हमारे रीति रिवाज उनको बताने होंगे, हमने किस रीति रिवाज से हमने शादी की थी, हमारे घर में किसी का मृत्यु हुआ तो उनकी विधि हमने किस रीति रिवाज से की थी, हमारे घर में किसी का जन्म हुआ तो उनकी छठे की विधि, पाचोरे की विधि हमने किस विधि से की थी, वो भी हमें बताना होगा। हमें हमारे देवी देवता को हमें बताना होगा। तो कहाँ से जवाब आप दे सकोगे? अगर आज आप अपने व्यवहार में उसे उतारोगे तब आप उसे बता सकोगे ना। इसलिए मैं युवाओं से कहता हूँ, आप अपनी बात जोर शोर से समाज में जाइए, गांव में जाइए, लेकिन आदिवासी को जो संस्कृति है उसे पुनः जीवित करने की भूमिका आपको निभानी ही होगी। तब भी हम आदिवासी बचेंगे और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित हमारे संस्कृति को प्रदान कर सकेंगे। मुझे एक ही सवाल बार बार सताता है, आज हम युवा है, हम हमारे समाज और संस्कृति को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे तो कल को हम हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको क्या जवाब देंगे? जवाब देने के लिए हमारे पास क्या होगा? तो आज समय है दोस्तों, आज आपके पास समय है, आगे आइए, हमारी संस्कृति का संवर्धन कीजिए। क्योंकि बहुत सी ऐसी ताकतें हैं, शासन, प्रशासन और किसी दूसरी ताकत, जो उन्हें मिटाने में तुली हुई है, और हम भी भोले बनकर उन सब सिस्टमों में घुसकर उन्हें मिटाने के लिए तत्पर है। लेकिन दोस्तों, विश्व की महानतम हमारी संस्कृति, प्रकृतिवाद से हम जीते हैं, उसे बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं उठेंगे तो कल के पीढ़ी को हम हमारे संस्कृति के बारे में नहीं बता सकेंगे, उन्हें हम ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे, ये देखो बच्चे ये हमारी संस्कृति थी। तो उसके लिए आप सभी दोस्तों से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, जहाँ जहाँ भी आपको अपने संस्कृति के बचाने के लिए मौका मिले उसे छोड़ना मत। अपने घर में कोई भी प्रसंग हो, समाज में कोई भी प्रसंग हो, वहाँ पर बात रखनी चाहिए घर के बुजुर्ग वडिलों से कि पहले हम इस संस्कृति के से अपने परंपराएं करते थे, तो क्यों ना हम उसे पुनः जीवित करें और उसे बचने के लिए हमें, बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। दोस्तों, इस व्यवस्था को बदल सकेंगे और हमें शासन में, जब तक हम, मैंने देखा है, मेरा अनुभव रहा है, जब तक
हम सिस्टम में नहीं घुसते ना तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता। हम मांगे रखते जाएंगे और वो सुनते जाएंगे और हमें आश्वासन देते जाएंगे कि भाई देखते हैं, करते हैं, हो जाएगा। हर वक्त ऐसे शब्दों से हमें पाला पड़ता है, लेकिन जिस दिन हम पूरी ताकत से एक आवाज़ बनकर, एक टीम बनकर, आदिवासी विचारधारा को लेकर जिस दिन सिस्टम में घुस गए ना, मेरे पास शब्द, मैं शब्द बोलने वाला था लेकिन अभी नहीं बोल रहा हूँ, उनको देना पड़ेगा। और हम अपने हक से लेंगे, पूरी ताकत से लेंगे, डंके की चोट पर लेंगे। इसके लिए आप सबको आह्वान करता हूँ, दोस्तों संविधान को पढ़िए, अपने हक अधिकार को जानिए और अपने हक अधिकार के लिए राजनीति में आइए, सक्रिय बनिए। सक्रिय राजनीति में आप जैसे सब युवाओं की जरूरत है। हमारे समाज को जो कोई बचा सकता है, जो कोई आगे ले जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप युवा ही हो। दोस्तों मेरा फेसबुक पेज पर आप किसी भी वक्त जुड़ सकते हो, मुझे सक्रिय राजनीति के बारे में अपने विचार मुझसे साझा कर सकते हो। मैं वो बात बोल रहा था, वो भूल गया कि जिस आंदोलन कार्य या जो भी कोई आगे आता है अपने समाज के लिए, कोई भी, उनको लास्ट में राजनीति में जाना ही जाना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता चलता है कि उसका इलाज तो सिर्फ हम लड़ किससे रहते हैं, शासन और प्रशासन से किला। तो क्यों ना हम शासन और प्रशासन में ही घुसे तो हमें लड़ना ना पड़े। हम अपने लोगों के अधिकार है, हम खुद दे सके, हमें क्यों लड़ना है? हम ही सरकार बनाए, हम ही घुस जाए। लेकिन साथ में डर की एक बात यही भी है, जो कोई भी पार्टी सिस्टम में घुसता है वो सिर्फ गुलाम ही बन जाता है। आज तक जो मेरे आदर्श तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस किसी नेता को मैंने जाना है, वो आखिर में उस हुद्दे या पद पर जब वो पहुँच जाता है, तो जिस बात को लेकर वो जिस किसी जगह पर पहुंच जाता है, जिस हुद्दे पर, वहां जाकर वो बात ही भूल जाता है। यार पार्टी का प्रेशर है, बोल नहीं सकता। तो दोस्तों हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत है, जिस कहीं जगह पर भी, चाहे वो विधानसभा हो, संसद में हो, जहां पर भी जाए अपनी बात रखे, पूरी जोर से रखे, पूरे सम्मान से रखे, पूरे हक से रखे कि हाँ इसके लिए हम आए हैं और ये हम ये हासिल करके ही जाएंगे। लेकिन आज मैं देखता हूँ काफ़ी सारे हमारे आदिवासी समाज के नेता हैं, उनकी भाषाएं बदल जाती है, जिसके लिए हमने वहाँ पर उनको भेजा है, जिस काम के लिए हमने उनको भेजा है, नीति विषयक बात जहाँ पर करनी होती है वहाँ पर वो करते नहीं। कुछ ऐसा नेता है जो विधानसभा में तो जाता ही नहीं। अरे जिस बात के लिए आप चुने हो, जिसके लिए हमने आपको वोटिंग किया है, वहां पर जाइए तो सही, अपनी बात को रखिए तो सही। अगर वहीं पर आपको जाना ही नहीं है तो आप चुनाव में खड़े ही क्यों होते हो? सही बात है ना? क्योंकि जिस काम के लिए हमने जिसको चुना है वो काम तो उनको करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं कहता हूं युवा, आप आइए मैदान में, पूरा मैदान खाली पड़ा है आपके लिए। सिर्फ एक सुरवीर योद्धा की तरह आपको निडरता से खड़ा रहना पड़ेगा। जिस ओर से गेंद आएगी उस ओर पे उसे पूरी जोर से ग्राउंड के बाहर भेजने की ताकत लेकर आइए। क्योंकि जिस दिन हमने ये करना सीख लिया, जिस दिन हम खड़ा रहना सीख जाएंगे,
उस दिन दुनिया की ऐसी कोई गेंद नहीं होगी जो हमारे सामने आए और उसे हमें बाउंड्री के बाहर ना भेज सके। पूरी टीम बनकर आएंगे, पूरे जुस्से से आएंगे, पूरे जोर से आएंगे और आने वाले भविष्य में हमारे आदिवासी समाज ने आज़ादी के बाद से जो यातनाएं सहन की है, जो हमें हमारा हक अधिकार नहीं है, पूरे भारत भर से एक आवाज़ बनकर हम उठेंगे और अपने समुदाय के लिए लड़ेंगे, हमारे अधिकार के लिए लड़ेंगे। संविधान में जो हमें जो कुछ दिया हुआ है वो फिर से हम हासिल करके कर एक नए भारत का निर्माण करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो कोई भी आगे आना चाहता है उन्हें किसी न किसी तरह से रोकने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उस दबाव में भी ना आते हुए जो भी कोई हमारे सामने मुश्किल आएगी, जो भी बाधाएं आएगी, उसे पार करके हमें आगे आना है और एकजुट कर हमें हमारे आदिवासी समाज हमारे आदिवासी समुदाय के लिए लड़ना है। मेरे साथ जुड़े हुए भारत भर के पूरे युवा साथी दोस्तों को मैं कहना चाहूँगा, आने वाले दिनों में हम एक ताकत बनकर आगे आए। हमारी एक ही मांग रहेगी, हमारे हक अधिकार। जिस दिन हमें ये मिल गए उस दिन हम आदिवासी समुदाय को सच में अपना ऋण अदा कर सकेंगे, यही मेरा मानना है। जिस समुदाय में हमने जन्म लिया है उसका ऋण तो हमें अदा करना ही करना है, तो उससे अच्छा ये ऋण किसी तरह हम अदा ही नहीं कर सकेंगे। हम हमारे समाज के लिए एक आवाज बनकर आगे आएंगे और उनको जो हक अधिकार है उन्हें दिलाने के लिए आगे आएंगे। और दोस्तों, मैं आखिर में ये बात कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। गोंडवाना दर्शन के गोंडवाना रत्न सुनहर सिंह ताराम जी को, उनकी विचारधारा जिन्होंने 32 साल 3 दशक तक आदिवासी समुदाय को उनको विचार को प्रदान किया, उनको वैचारिक क्रांति की वजह से कई सारे मेरे जैसे युवा आज आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तब उन्हें लगता था तब वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद आज ये नई पीढ़ी जो आई है सिर्फ और सिर्फ उनकी विचारधारा की वजह से ही है। उनको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि प्रदान करता हूँ। आज उनके साथ जिन्होंने हर मुश्किल में उनका साथ दिया, उषा किरण जी को भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा अपने फेसबुक लाइव प्रोग्राम में मेरे विचार साझा करने के लिए। तो आदरणीय उषा किरण जी, मैं आपका भी सप्रेम आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही में गोंडवाना दर्शन के सभी सगाजनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और पूरे भारत से जुड़े हुए हमारे युवा दोस्तों दोरा जी, सतलोज, रितु और सभी युवा दोस्तों को मैं आभारी हूँ। और रितु से मैं आग्रह करूँगा, अगले सेशन में आप भी फेसबुक पर आइए और अपने विचार साझा रखें, क्योंकि आप भी एक नारी शक्ति हो अपने विस्तार में, आप भी एक प्रेरणा स्रोत हो हमारे लिए। तो आपको भी हम विचार जानना चाहेंगे, उसके लिए दोरा बाबू आप अरेंजमेंट करवा देना और आप भी आना सतलुज के साथ। तो दोस्तों, आपसे रजा चाहूँगा, फिर कभी मौका मिलेंगे तो फिर से हम विचार साझा करेंगे। तब तक के लिए
आप सभी को आदिवासी युवा शक्ति बनने के लिए मैं एडवांस में शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी बात के दो शब्द भी आपको अच्छे लगे हो तो उन्हों अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उतारे और अपने समाज के लिए आगे आए। जीना तो हमें अपने समाज के ही लिए है, तभी हम उसका ऋण अदा कर सकेंगे।